वाराणसी में आज नामांकन की तस्वीर कुछ खास दिखाई दे रही है। एक चिकित्सक के रूप में एम्बुलेंस से प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, नाम जानेंगे आप? मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और आम आदमी पार्टी से उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी हूं। तो ये एम्बुलेंस से आ गए आप यहाँ नामांकन दाखिल करने, क्या? देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इमरजेंसी की स्थिति में पहुँच चुकी है और लोगों को और नेताओं को और हमारा जो भी समाज है इसको ये देखना चाहिए कि जो आम आदमी है, जो ठेला चलाता है, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, उसको अगर बीमार पड़ता है, किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे उचित इलाज मुहैया नहीं करा पाती है। बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं केवल इलाज सही न मिलने के कारण। तो मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य प्राथमिकता में आए और आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का मुद्दा चुनाव में प्राथमिकता में आए और इसीलिए मैं आप लोगों को चुनाव प्रचार भी इसी से करेंगे। चुनाव प्रचार तो हम लोग अभी डोर टू डोर कैंपेन की ही परमिशन है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं। तो अभी तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसमें मेडिकल कैंपेन भी करते हैं, जिनको दवा इलाज ब्लड प्रेशर शुगर कुछ है जो इनकी हम मदद कर सकते हैं उनको हम वोट भी मांगेंगे और इलाज भी करेंगे। जी हाँ, वोट भी मांगेंगे और इलाज भी करेंगे। तो आला भी है और इसके साथ पूरी की पूरी वेशभूषा है, एम्बुलेंस भी है और पेशे से चिकित्सक हैं ये और अपने चिकित्सा वाले अंदाज में ही यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं। तो ये देखिए डॉक्टर साहब अब पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक सवाल और है हमारा डॉक्टर साहब कि चिकित्सक नेता बनेगा तो कैसे होगा? जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में जो निर्णय लेने की व्यवस्था है उसमें चिकित्सकों की भागीदारी नहीं होगी, हम लोग सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकते। यानी राजनीति और चिकित्सा व्यवस्था को साथ लेकर चलेंगे और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे। तो अनोखी तस्वीर वाराणसी में दिखाई दे रही है जिसमें चिकित्सक एम्बुलेंस में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।